नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। भारत की अध्यक्षता में G20 की शानदार कामयाबी के बाद अब भारत की अध्यक्षता में पार्लियामेंट 20 यानी P20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली में यशोभूमि पर P20 सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन 12, 13 और 14 अक्टूबर को होगा। G20 दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। P20 सम्मेलन G20 के सांसदों का मंच है। भारत की अध्यक्षता में P20 शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सतत ऊर्जा परिवर्तन और हरित भविष्य का। आखिर ये मुद्दा विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या पहलू हैं, इस कार्यक्रम में इन पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय कराने से पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आज P20 शिखर सम्मेलन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा कि नवी P20 G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, IPU के अध्यक्ष जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है और 50 से ज़्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं नीति कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। जाहिर सी बात है यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सतत ऊर्जा परिवर्तन और हरित भविष्य का, ये एक भविष्य का द्वार खोलता है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। MPIDSA के सीनियर फेलो उत्तम सिन्हा जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, आपका स्वागत है संसद TV पर। साथ ही हम बात करेंगे iForest के संस्थापक CEO चंद्रभूषण जी से। चंद्रभूषण जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत उत्तम सिन्हा जी, मैं आपसे करूंगा। जाहिर सी बात है G20 में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को लेकर और सतत ऊर्जा के उपयोग को लेकर मुद्दा उठा, उस पर G20 देशों में एक सहमति बनी। अब जब P20 भारत में हो रहा है, भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये वैश्विक जनसंख्या के लिए SDGs वास्तविकता है जी। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंडा कहते हैं। किसी को भी पीछे ना छोड़ने का एक प्रयत्न है, एक वादा है, एक एम्बिशन है, जिसको हम लोग पीपल सेंट्रिक या जन केंद्रित बोलते हैं। SDGs अधिकतर अच्छी चीजों के वादे करते हैं जिन पे हम सब लोग मिलके घटित होते देखना चाहते हैं, जैसे कि कम गरीब और भूख लोग, जैसे कि दुनिया जैसे जैसे सुधार हो रही है, बेहतर शिक्षा और विकास, वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो SDGs का जो
एम्बिशन है, जो प्लान है और जो स्कोर कार्ड है उसकी, वो बढ़ते रहेगी। लेकिन जो लक्ष्य जो हम लोग सेटअप किए हैं, जो ग्लोबल एजेंडा 2030 का है जी, वो हमें लग रहा है कि बहुत दूर है रास्ता। अभी हम लोग मिड पॉइंट पे हैं और मिड पॉइंट से लेके 2030 तक जो रास्ता नापना है वो काफी कठिनाई से भरी हुई है। जो हम लोग का परफॉर्मेंस इंडेक्स है एसडीजी का ग्लोबली जी, वो एट बेस्ट 12-13% डिलीवरेबल्स है। यानी कि इस रफ्तार से यदि हम चलेंगे तो एसडीजी गोल को हम लोग पूरा जो 100% अचीवेबल है वो 2080 से पहले नहीं होगी। इट इज 7 times स्लोअर जी। तो ये जो रफ्तार है एसडीजी गोल का, काफी समस्याएं और काफी प्रश्न उठाती है हम लोग के ऊपर कि ये क्या जो एम्बिशन है 17 goals 169 सेट ऑफ एजेंडाज, ये रियली रियलिस्टिक है, रियली अचीवेबल है कि नहीं। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं अब ये उभर के आएंगी G20 में। हालांकि ये एक जो डिक्लेरेशन हुआ, एक तत्कालिकता एक डिक्लेरेशन था SDGs पे, ये ध्यान देते हुए कि SDGs और उसके गोल को अचीव करना एक प्राथमिकता है हमारी तरफ से, और एक मजबूत टिकाऊ और संतुलित और समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा देश ग्लोबल अटेंशन इस पे पड़े। तो ये तो G20 करीब करीब ये अटेंशन पे लाया है SDG को कि इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कई एम्फेसिस लाया गया है इस G20 डिक्लेरेशन के आधार पे, जैसे कि डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चैलेंजेस को कैसे हम लोग देखें और कैसे उसको सरल करें, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ये बड़ा नया उभर के आया है SDGs के रूप में, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड ओशंस, ये कई मामले उभर के आए हैं जिसपे ग्लोबल अटेंशन की जरूरत है। मेरे ख्याल से G20 का जो डिक्लेरेशन है एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड है SDGs को लेके। जी बिल्कुल चंद्रभूषण जी, मैं इसी को आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि बात G20 की हम कर रहे हैं और P20 जब होने वाला है और उसमें एक बड़ा मुद्दा पर्यावरण को लेकर है, ऊर्जा को लेकर है, हरित भविष्य को लेकर है, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हरित संधि भी G20 में उभर के सामने आई, जाहिर सी बात है भारत की अध्यक्षता में एक सहमति बनी कि कैसे सतत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाना, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, जो एनर्जी ट्रांजिशन का जो मुद्दा है वो आज के दिन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ग्रोथ को लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन का जो मुद्दा है वो एक तरह से इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन तभी होगा जबकि आपकी इकोनॉमी ट्रांजिट करेगी। आज के दिन में विश्व में 3/4 अबाउट 75% जो एनर्जी है वो फॉसल फ्यूल से आती है, कोयले से, ऑयल से और गैस से। 20-25% ही है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, जैसे हाइड्रोपावर हो गया या आपके बायोमास हो गए या सोलर और विंड एनर्जी हो गए। अगर हमें क्लाइमेट चैलेंज को सॉल्व करना है तो 2050 तक ये जो 20-25% रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 70-80% बनना पड़ेगा। ये हमारे पास चैलेंज है। इंडिया के अपने एनर्जी ट्रांजिशन के गोल हैं आज के दिन में। हमने ये वादा किया है दुनिया से कि 2030 तक 50% बिजली, 50% इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे देश में हम कंज्यूम करेंगे जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। ये जो देयरफॉर ये जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात, वो सिर्फ इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन से नहीं होगा, हमें इकोनॉमिक सिस्टम में भी काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए हमें नए ग्रिड बनाने पड़ेंगे, नए तकनीक लाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि G20 में एक जो अग्रीमेंट है वो है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना जी, 3 गुना बढ़ाना। गोल हाइड्रोजन का भी है G20 में। तो जो जिस तरह से प्रोमिसेस और एम्बिशन देशों ने दिखाया है G20 के अग्रीमेंट में, तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो एक बहुत बड़ा एजेंडा की तरह से उभरा है, एक मेजर चैलेंज है। लेकिन इसका एक फायदा भी है कि ये एनर्जी ट्रांजिशन जो है आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा।
जी, ये अज्यूम करना कि जब हम रिन्यूएबल पे बढ़ेंगे तो हमारे ग्रोथ को नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वो सही नहीं है। आज के दिन में एनर्जी ट्रांजिशन को एक तरह से न्यू एज इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह देखा जा रहा है कि हम एनर्जी ट्रांजिशन भी करें, ग्रीन जॉब्स लाएं, जॉब के पोटेंशियल काफी हैं। दो दिन पहले रिपोर्ट ये निकला है कि आइरीना का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट है कि सोलर और विंड के कारण हमारे देश में कोई 1,000,000 नई नौकरियां आई हैं जी, 1,000,000 न्यू जॉब्स अभी के समय, और जिस तरह से हमने प्लान रखा है तो और भी ग्रीन जॉब्स आएंगे और ग्रीन ग्रोथ होगा। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा है, एक बहुत बड़ा एजेंडा है एनर्जी ट्रांजिशन का, भारत की अपनी टारगेट है और G20 के अपने एम्बिशंस हैं जी। हमारी जो P20 की जो मीटिंग हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे दुनिया में, पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, किसी भी देश के इकोनॉमिक डायरेक्शन को देने के लिए, और पार्लियामेंटेरियंस को इस इश्यू में एंगेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जी, दे आर द वॉइस ऑफ पीपल, और उनको इसमें एंगेज होना जरूरी है। इसलिए मैं इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, और एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन ग्रोथ के डिस्कशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा इस मीटिंग। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने चंद्रभूषण जी, जाहिर सी बात है जब हम संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं और उसमें दुनिया के जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं, और जब उनके देशों की जो संसद है उसके सदस्य जब एक साथ बैठते हैं, वैश्विक मंच पर बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखते हैं। उत्तम सिन्हा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है और विकसित देश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाते भी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अगर G20 की बात मैं करूं, डिक्लेरेशन की बात मैं करूं, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और एक प्रकार से सहमति हुई। दुनिया के जो आर्थिक संपन्न देश हैं उन्होंने इस बात को माना, भारत बराबर इस बात को कहता रहा है कि अगर हमें समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में बढ़ना है तो जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? आपने सही फरमाया, जैसे कि इवन जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन में जो स्वच्छ, टिकाऊ और न्याय संकल्प, किफायती और समाजवादी जो ऊर्जा परिवर्तन लागू करना है जी, उसमें फाइनेंसिंग की तो बहुत जरूरत होगी और ये कठिन भी है। विकसित देशों का जो रोल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगा, वादे तो काफी करते हैं लेकिन वो वादे फुलफिल नहीं होते हैं, खासकर उनके जो ODA कमिटमेंट्स हम देखें काफी पोअर रहा है, कमिटमेंट से वो अक्सर मुकर जाते हैं जी। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग जो जस्ट ट्रांजिशन और एनर्जी ट्रांजिशन, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन के बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रति सोचना पड़ेगा इनवर्ड, हाउ टू रेज मनी एंड फाइनेंसेस। ये जो डिपेंडेंसी ऑन विकसित देशों के प्रति ODA कमिटमेंट से हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हर प्रकार की फाइनेंसिंग जरूरी है यहाँ पे, जैसे हम लोग इसको हाइब्रिड फाइनेंस बोलते हैं आजकल, सार्वजनिक और निजी दोनों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। उसके अलावा भी हमको लगता है कि कई फाइनेंस के रूप पर धारण करने पड़ेगी, कई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। फाइनेंस जो ये SDG का जो फाइनेंसिंग है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इतनी फाइनेंस की जरूरत है तो लोग बोलते हैं कि ये तो टूट ही जाएगा, संभव ही नहीं। कई स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए कम से कम $4 trillion लगेगी। ये बड़ा बड़ा विचित्र है, ये इतना पैसा कहाँ से आएगा? और तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन अचीविंग टारगेट्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये फाइनेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, जो हमारे टारगेट्स हैं, SDG गोल्स हैं, फाइनेंस विल बी क्रिटिकल, और कहाँ से आएंगे ये इस पे दुनिया अभी कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी हम लोग की है ODA कमिटमेंट्स ऑन विकसित देशों की भी, उससे थोड़ा हट के हमें सोचना पड़ेगा हाउ टू जनरेट फाइनेंसेस विद इन आवर ओन कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी जी। बिल्कुल चंद्रभूषण जी, अगर मैं बात एक सकारात्मक दिशा की तरफ करूं कि G20 का जो डिक्लेरेशन था और जो घटना, जो फैसले हुए G20 के दौरान, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हुआ वो वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का था, उसको मान्यता मिली,
दुनिया के आर्थिक संपन्न देशों ने मानता दी, एक साथ बैठ के चर्चा की कि क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के लिए कितना जरूरी है ये मुद्दा, आप कैसे देखते हैं इस अलायंस को? देखिए, बायोफ्यूल अलायंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अलायंस है, क्योंकि आज के दिन भी अगर आप दुनिया के ईंधन के मिक्स को देखें तो 20% जो एनर्जी है वो बायोमास से आता है, और आज के दिन में जो वो बायोमास है वो बहुत गलत तरह से हम उसके इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत पोल्यूटिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज भी हमारे देश में 50% जो जनसंख्या है वो बायोफ्यूल को कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण घर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आउटडोर एयर पोल्यूशन का ज्यादा है। तो एक मुद्दा है कि जो बायोमास हमारे पास है, सस्टेनेबल बायोमास है, उसको किस तरह से मॉडर्न किया जाए, हाउ डू वी मेक बायोमास, ट्रेडिशनल बायोमास, ए मॉडर्न फ्यूल, जिसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है कि आज के दिन में एथेनॉल का प्रोडक्शन बन रहा है हमारे देश में, जैसे 10% जो हमारे जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल का मिक्स डाला जा रहा है, और टारगेट है 20% का, जो कि लार्जली शुगर केन से आ रहा है, लेकिन वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपको शुगर केन प्रोडक्शन में जमीन पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। अभी शॉर्ट टर्म में वो फार्मर के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है। तो किस तरह से एथेनॉल प्रोडक्शन को सस्टेनेबल किया जाए। और तीसरा है न्यू जनरेशन बायोमास का। आज के दिन में जो हम जो बायोमास बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं वो ओल्ड जनरेशन का है, एथेनॉल को जनरेशन 1 बायोफ्यूल कहते हैं, जनरेशन 2 में एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल की बात हो रही है जी, जनरेशन 3 में हम बायो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके किस तरह से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करें उसकी बात हो रही है। तो जो बायोफ्यूल का जो पूरा एजेंडा है वो एक्चुअली मॉडर्न रिसर्च एजेंडा है, और कोई एक देश अब काम नहीं कर सकता। तो मैं इस बायोफ्यूल अलायंस को दो तरह से देखता हूं जी, एक किस तरह से देश साथ में काम करें और मॉडर्न बायोफ्यूल को लाएं जो कि सबके भलाई में हो। जैसे कि ब्राजील का नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है G20 का, और ब्राजील बायोफ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट है, ये ब्राजील के इंटरेस्ट में है कि किस तरह से बायोफ्यूल को डेवलप किया जाए। तो एक तो रिसर्च की तरह से किस तरह से नॉलेज शेयरिंग हो, किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और दूसरा किस तरह से बायोफ्यूल में ट्रेड हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो और ट्रेड हो, वो भी बहुत जरूरी है। तो बायोफ्यूल का एजेंडा बड़ा एजेंडा है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे फार्मर्स का एजेंडा है, हमारे किसान का एजेंडा है। अगर हम किसान के इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो बायोफ्यूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जी। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मानता हूं। मैं एक और एक और जवाब मैं यहां लाना चाहूंगा जी, कि पैसा कहां से लाए, और उत्तम जी ने उसके बारे में चर्चा की कि $4-5 trillion की जरूरत है जी। अगर हम सिर्फ $4-5 trillion को देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन ये $4-5 trillion हमें अगले 20-30 साल में चाहिए। इफेक्टिवली हमें 100-200 billion एवरी ईयर वी नीड फॉर दिस एनर्जी ट्रांजिशन, 200-300 billion भी मान लें, दैट इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 2% ऑफ ग्लोबल GDP जी। तो अगर मैं प्रपोर्शन ऑफ GDP से देखूं ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर देश अग्री करें कि मैं 2% GDP को मैं एनर्जी ट्रांजिशन में यूटिलाइज करूं, और हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, आज हम तीनों आदमी यहाँ बैठे हैं, हमने सिक्किम में देखा है क्लाउड बस के कारण क्या हो सकता है जी, किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे देश में और दुनिया भर में हो रहा है। तो मेरे अंदाज से ये पैसा, अगर हमारे पास इंटेंशन सही है तो हम ये पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, देश में भी, डोमेस्टिकली भी। और इसमें मैं अग्री करता हूं उत्तम जी से कि हमारे पास पोटेंशियल है डोमेस्टिक रिसोर्स का, हमारे पास पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट लाने का, और हमें जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज के डोनेशन पे डिपेंड करें इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल कंसेंसस है कि हम 2% और 2.5% GDP क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए लगाएं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। जाहिर सी बात है, इसलिए भारत का हमेशा जोर इस बात पर रहा कि एक समावेशी संतुलित विकास ऊर्जा के संदर्भ में, और वो भी इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार विश्व के लिए एक चुनौती बन रहा है, उस दिशा में सभी को मिलकर
एक साथ आगे बढ़ना होगा और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन में इस बात को दृढ़तापूर्वक कहा भी कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उत्तम सिन्हा जी, अगर बात मैं G20 की करूं, G20 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि P20 होने वाला है। जाहिर सी बात है G20 में जो फैसले निर्णय लिए जाते हैं कहीं ना कहीं वो सरकारें, वो संसदें, संसद के द्वारा ही चीज़ों का क्रियान्वयन, फैसलों का किया जाता है देशों में। इसलिए P20 का जो रोल है, जो भूमिका है, वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। दो पॉजिटिव मुद्दे मैं आपसे समझना चाहूँगा। वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात चंद्रभूषण जी ने समझाई। दूसरा मुद्दा जो हरित विकास समझौते का है, ये दोनों दिल्ली डिक्लेरेशन के बहुत पॉजिटिव मुद्दे हैं, सतत ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में, हरित भविष्य की दिशा में। आप कैसे देखते हैं? चार मुद्दाएं हैं जो SDGs के बारे में उसको संतुलन करती है और बढ़ावा देती है जी। पहले तो जो हम लोग जो SDGs प्लानिंग किए हैं और खासकर G20 का जो आप डिक्लेरेशन देखेंगे 29 पेजेस, उसमें वो थोड़ा सा हटके है। इसमें एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट है, डीकपलिंग इकोनॉमी है एंड एनवायरमेंट। तो चार इंपॉर्टेंट सेक्टर उभर के आते हैं जिसपे एक फोकस ऑफ अटेंशन है। पहला हमें लगता है कि जल सुरक्षा एवं संरक्षण, वो एक वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन का एक महत्व दिया गया है। इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और जिसमें इंडिजिनियस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सामने रखा जाएगा। ये मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SDG गोल्स को अचीव करने के लिए, जल सुरक्षा एवं संरक्षण। दूसरा मेरे ख्याल से जो सेक्टर एम्फेसिस हो रहा है वो है प्रमोटिंग होलिस्टिक आउटकम्स इन हेल्थ। अब हेल्थ सेक्टर पे हम देख रहे हैं काफी एम्फेसिस है और काफी फाइनेंसेस दिया जा रहा है उसको स्वच्छित करने के लिए। सो स्वास्थ्य के प्रति काफी अच्छा वो एक अप्रोच लाया जा रहा है। थर्ड सेक्टर अटेंशन जो मुझे लग रहा है वो है प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड ब्लू इकोनॉमी। एंड ये जो एरिया एक नया एरिया है जिसपे अभी काफी चर्चा में है और काफी रिसर्च होने को है, लेकिन ये जो ब्लू इकोनॉमी का जो एम्फेसिस है वो एक नया दिशा देगा SDGs को। तीसरा और महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो जेंडर सेंसिटिविटी, जो SDG प्रोग्राम्स हैं, जो गोल्स अचीव करना है विद अ सेंस जेंडर सेंसिटिविटी टच, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है। और इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, मतलब कि आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर पे। और लास्टली मेरे ख्याल से जो ग्लोबल पार्टनरशिप की जो बात की जा रही है SDG गोल्स को अचीव करने के लिए, वो प्रिसाइसली फाइनेंशियल पार्टनरशिप पे अटेंशन दिया जा रहा है। किस तरह से हम अपने कैपिटल बेस को एक्सपैंड करें, किस तरह से ODA को रिस्ट्रक्चर करें, किस तरह से इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज को जनरेट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर अप्रोच है जी, ये SDG और ये G20 का डिक्लेरेशन साथ साथ जा रहा है और मुझे लग रहा है आगे चल के ये SDG गोल्स को काफी आगे बढ़ाएगा जी। बिल्कुल चंद्रभूषण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है क्योंकि मुद्दा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का है। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया में एक व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है और उसके बहुत पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जलवायु का मुद्दा भी अपने आप उससे जुड़ जाता है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इस तक पहुँच बढ़ाने के लिए भी लगातार चर्चा होती रही है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इस पहलू को, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आज 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, स्टील जिस तरह से हम बनाते हैं, सीमेंट जिस तरह से बना रहे हैं, बिजली जिस तरह से बना रहे हैं, पैदावार अनाज का जिस तरह से कर रहे हैं, उन सभी को चेंज होना पड़ेगा अगर हम जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। आज के दिन में विश्व का तापमान को 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 1850 के बनिस्पत, 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और उसका इंपैक्ट हम सब देख रहे हैं। दुनिया भर में ये हमें कहा गया है और IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने यह कहा है कि आप 1.5 डिग्री से ज्यादा मत बढ़िए जी। अगर तापमान 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ेगा तो एक बहुत भयावक होगा, इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इन सभी चीज को देखते हुए हमें हर एक सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है।
एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, जिस तरह से हम बिजली का पैदावार करें, और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। आज के दिन में बिना कोयले का आप स्टील नहीं बना सकते, बिना कोयला यूज किए सीमेंट नहीं बन सकता, लेकिन फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं है। फ्यूचर में हमें वो सीमेंट और स्टील की जरूरत है जो कि बिना कोयले से बने। वो तकनीक कहां से आएगा, किस तरह से हम हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन करें जी। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक ग्लोबल लेवल पे हमें करने की जरूरत है। आज के दिन में कंपनियां और देश टेक्नोलॉजी को बचा के रखते हैं अपने पास, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, पैसा कमाने का भी एक तरह से जरिया है ये। लेकिन अगर ये पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा संकट है तो मेरे अंदाज से देशों को साथ आना पड़ेगा। हमें जॉइंट आईपीआर की बात करने की जरूरत पड़ेगी, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस तरह से डेवलप किया जाए, देश आपस में किस तरह से समझौता करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। इन सभी चीजों को लेते हुए हमें क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत जैसे देश को ये मौका है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। हमारा आज के दिन में इन्वेस्टमेंट R&D में G20 में लोएस्ट है, और हमें R&D में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नए टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो एक मुद्दा हमारे देश के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। जाहिर सी बात है, पिछले 7-8 सालों में अगर मैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात मैं करूं, तो उस दिशा में टेक्नोलॉजी के जरिए भारत सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, कई सकारात्मक पहल किए हैं। जाहिर तौर पर जब फैसले लिए जाते हैं तो उसके असर भी देखने को मिलते हैं। उत्तम सिन्हा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मामला लगातार उठता है, पेरिस समझौते की बात होती है, और ये सवाल भी उठता है कि पेरिस समझौते के बहुत से जो फैसले थे, जो समझौते थे, उस दिशा में कहीं ना कहीं किंतु परंतु कुछ वैश्विक स्तर पर अड़चन पैदा करते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि P20 जब देश में हो रहा है तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दुनिया के इन आर्थिक संपन्न देशों के सामने। ये किंतु परंतु से हटके हमें सिंपली एक एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और उसी में ही हमारी क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स भी मीट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सप्लाई चेन, एनर्जी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करिए, आप एनर्जी सिक्योरिटी इन अ वाइडर सेंस और होलिस्टिक सेंस में सोचिए, डाइवर्सिफाइंग एनर्जी मिक्सेस एंड सिस्टम्स, उसके प्रति आप ध्यान दें। तो ये जो एलिमेंट्स जो आएंगे, ये जो क्लाइमेट डिबेट और नॉर्थ वर्सेस साउथ तो चलते रहा है, अब समय आ गया है कि एक रोड मैप और एक पाथवे क्रिएट किया जाए जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन जो जस्ट भी हो, नॉट ओनली एनर्जी ट्रांजिशन बट जस्ट ट्रांजिशन, उसको हम लोग फुलफिल करें, और क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को जो ले डाउन है हमारे प्रोसेस में उसको फुलफिल करें। मेरे ख्याल से ये जो डिबेट जो है क्लाइमेट चेंज की, और ये जो हिस्टोरिकल डिबेट है या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे थोड़ा हट जाना चाहिए। ये हम लोग 20-30 साल से इस डिबेट में फंसे हुए हैं, और ये ट्रांजिशन रोड मैप पे प्रति हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो बाली में जो लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया ने G20 जो समिट किया था, वो रोड मैप एक बेहतरीन रोड मैप उभर के आ रही है, और उसको हम लोग आगे लेके चले। G20 बाली में हुआ, G20 दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, अब ब्राजील जाएगी, तो एक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग के साथ हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन के प्रति बढ़े जी। जाहिर सी बात है उत्तम सिन्हा जी, जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें सतत ऊर्जा परिवर्तन और हरित भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। अगर बात की जाए भविष्य की दृष्टि से, तो दुनिया के जो आर्थिक संपन्न देश हैं उन्होंने कई समझौते आपस में किए, सहमति जताई कुछ नीतिगत मुद्दों के ऊपर। जाहिर सी बात है कि P20 का जब शिखर सम्मेलन होने जा रहा है तो उसमें भी इन मुद्दों पर वही सकारात्मक वातावरण और विचार देखने को मिलेंगे, फैसले देखने को मिलेंगे जो G20 में देखने को मिले थे। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।